नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। देखिए, इसमें देखेंगे दैनिक रोजगार महत्वपूर्ण सूचना 20 जुलाई की, DU में आवेदन तिथि बढ़ी है, JEE एडवांस परीक्षा तिथि घोषित और सारी इन्फॉर्मेशन जो आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि ऐसी पूरी अपडेट मिलते रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स जो भी चला जाते हैं हमारे चैनल पर वो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी चीज़ मैं बता दूं कि कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो नहीं पता चल पाता या डायरेक्टली वो इससे ज्वाइन नहीं कर पाते। तो देखिए, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं, जो जहाँ पे सर्किल है, जो एरो का सिंबल बना हुआ, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको ये चीज़ें शो करने लगी, मैं किसी वीडियो का आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एजुकेशन टीम इंडिया है, एजुकेशन इंडिया है और इसमें YouTube चैनल है, इनका सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो HTTP लिंक दे रखा है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो टारगेट विद अभिषेक ऑफिशियल YouTube चैनल के नाम से है वो यहाँ पे है, जो HTTP.me है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे वो चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लोगे, या तो फिर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर डायरेक्ट टारगेट विद अभिषेक सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स और सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, DU में दाखिले के लिए पंजीकरण की तारीख 31 तक बढ़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से शनिवार को स्नातक, PG, MPhil व PhD पाठ्यक्रमों में दाखिला पोर्टल व पंजीकरण की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। DU की दाखिला समिति की शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि इस वर्ष एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो ECA होता है कोटे की सभी श्रेणियों में दाखिला ले सकेंगे। ठीक है, DU ने 20 जून को दाखिले से जुड़े दिशा निर्देश समय जानकारी दी थी कि इस वर्ष ECA के तहत सिर्फ राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के प्रमाण पत्रों के साथ ही पंजीकरण किया जा सकेगा। इसके बाद राज्यसभा सदस्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, भारतीय कथक नर्तक बिरजू महाराज जैसे कई प्रसिद्ध कलाकारों ने DU कलापद से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पिछले ECA कोटे में पुराने नियमों के आधार पर ही दाखिला कराने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद 10 जुलाई को DU के प्रो वाइस चांसलर PC जोशी और DU के कॉलेज डीन प्रोफेसर बलराम पाड़ी को उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यालय में बुलाकर ECA कोटे पुराने नियमों के तहत ही दाखिला करने की सलाह दी थी। तो ये पूरी अपडेट है इसमें की, और इसमें ECA कोटे में जितना दाखिला होता है ये पूरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगली अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे अगली अपडेट है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस आगामी मेंस हो चुका है। एडवांस दो एग्जाम होते हैं IIT के थ्रू और 27 सितंबर को होगी। दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, इस बार IIT दिल्ली इस बार परीक्षा की आयोजक संस्था है। हर वर्ष कोई एक IIT JEE एडवांस परीक्षा का आयोजन करती है। तो ये थी JEE एडवांस रिलेटेड, चलिए अगली अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है मेल से रिलेटेड, तो कई सारे बच्चों का मेल मिला नहीं था जो मेल के थ्रू प्रमाण पत्र है, तो लगातार मैंने बच्चों को वीडियो में बताया था तो काफ़ी सारे बच्चों ने भेजा, जो मैंने पांडे जी को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था तो लगभग सभी बच्चों का मेल कल तक रिसीव हो चुका है। अब एक रिक्वेस्ट है, आज 20 तारीख है, तो आप सभी में से जिन लोगों का मेल अभी तक रिसीव नहीं हुआ कृपया वो अपना मेल डायरेक्ट पांडे सर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। यहाँ से पांडे सर का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ये है आपका पांडे सर का व्हाट्सएप नंबर, इनको डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट मैसेज कर दीजिएगा, फ़ोन कॉल मत करिएगा, मैसेज करके रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, तो कुछ घंटे बाद आपको मेल रिसीव हो जाएगा। 94-15-82-4898 ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ से कर सकते हैं। फाइनली पांडे सर से आज मेरी मॉर्निंग में भी बात हुई है, तो यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया कोई हो जिसे अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जितना अभी तक फॉरवर्ड मिला है उनका मैसेज भेज दिया चुका है, तो ये चीज़ है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कुछ लोग का क्वेश्चन था कि सर इसमें जो DOB है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो उल्टा करके दिया जा रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन कई सारे अभ्यर्थियों का है कि उनके नाम में थोड़ी सी त्रुटि है जो खंड आवंटन प्रमाण पत्र है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपका ग्रेजुएशन लिस्ट है, ग्रेजुएशन क्रमांक के साथ में जो आपका नाम अटैच था वही आपका आएगा। अगर इसमें कोई एरर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ें इसमें आप, यह प्रमाण पत्र नियुक्ति पत्र नहीं है, अभ्यर्थियों को अपेक्षा की जाती है इस खंड आवंटन प्रमाण पत्र या मूल अभिलेखों के साथ। नियुक्ति की औपचारिकता है, संबंधित खंड आवंटित होंगे, खंड में उपस्थित होंगे, आवंटित खंड में उपस्थित होने की निर्धारित तारीख सूचना 31 के उपरांत विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी के नाम में किसी विरोधाभास आपत्ति होने पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्गत चयनित अभ्यर्थियों की ग्रेडेशन लिस्ट में जो अंकित नाम, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो है वही आपकी मान हो जाएगी। इसमें अगर कोई एरर होती है तो कोई इशू नहीं हुआ।
दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि जितने लोग अभी मेल आए प्लीज़ ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ही जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो मेल प्रमाण पत्र जो भेजा जा रहा है, वैसे ही आपके जो अग्रिम जो कार्रवाई है प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो प्लीज़ ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा और मैक्सिमम लोग को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।